रात के वक्त बढ़ते क्राइम की घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक खुद पेट्रोलिंग पर निकले। उन्होंने पेट्रोलिंग रात 12 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के गेट नंबर 6 पर स्थित बारापुला फ्लाईओवर के स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू की, जिसके बाद वे एम्स होते हुए राजधानी के विभिन्न इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान ज्वाइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव, साउथ डीसीपी विजय कुमार समेत कई आला अफसर उनके साथ मौजूद रहे। कमिश्नर की गश्त के चलते राजधानी की पुलिस भी अपने काम में लगभग 100% देती दिखी और कई चालान काटते नजर। राजधानी दिल्ली में जहां बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस भी चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने भी रूट लिया है, वहां बारापुला से डीएनडी से फ्लाईओवर से आज गश्त करेंगे, पुलिस कमिश्नर गश्त करेंगे। इसी के चलते जो दिल्ली पुलिस है, तमाम बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस ने की हुई है, तमाम रास्तों को रोका गया है, तमाम जो रास्ते हैं वो चेकिंग की जा रही है, तमाम जो आने वाले जाने वाले वाहन हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है, बदमाशों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। वहीं मैं दिखाना चाहूँगा, इस समय मैं कल्याणपुरी में मौजूद हूँ, तमाम गाड़ियों की जो तलाशी ली जा रही है, आने जाने वाले जो वाहन हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है और कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके चलते जो दिल्ली पुलिस है तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है। जो जैसा देखा गया था, तमाम घटनाएं ऐसी आ रही थी जहां बदमाश के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, तमाम जो घटनाएँ सामने आ रही थी, गोलीबारी की घटना बारापुला से सामने आई थी जहाँ एक पत्रकार को निशाना बनाया गया था, इसी के चलते जो दिल्ली पुलिस है वो चुस्त दुरुस्त नज़र आ रही है और तमाम जो दिल्ली पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो गाड़ी हैं उनकी तलाशी ली जाए और बदमाशों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसी के चलते आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर रूट ने जो दिया गया है, बारापुला से दिल्ली पुलिस की जो गश्त करेंगे कमिश्नर, इसके साथ ही डीएनडी के तमाम जो इलाके हैं और पूरे दिल्ली में गश्त करेंगे, दिल्ली के तमाम इलाकों में गश्त करेंगे। इसी के चलते दिल्ली पुलिस के तमाम जो रास्ते हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन संदीप गिरी के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली। दिन की दिल्ली से रात की दिल्ली काफी अलग होती है। दिन में दिल्ली राजनीतिक और रात में क्रिमिनल वारदातों से भर जाती है, जिसको लेकर कमिश्नर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली के क्राइम में पहले से कमी आई है और इसे हम और भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो हम जनरल गश्त निकालते हैं, ये हमारा पीरियोडिक एक्सरसाइज है। बीच बीच में हम तमाम फोर्स को हम इकट्ठा करके सबसे पीरियोडिक जनरल गश्त कराते हैं, तो आज का एक जनरल गश्त है। ये जो एक इम्प्रेशन सा क्रिएट किया हुआ है कि दिल्ली में क्राइम बढ़ा है, तो ये आप अगर देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो हीनस क्राइम्स वगैरह उसमें कमी ही आई है, कोई ऐसे बढ़ने वाली बात नहीं है। ये कुछ हुआ ज़रूर है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो थोड़े मीडिया में हाईलाइट हुए, वो केस बाद में सॉल्व भी हुए। ज़्यादातर ये केसेस वो थे जिसपे जो एक्यूज्ड थे वो विक्टिम के नोन थे। कुछ मर्डर्स ऐसे हुए जिसमें परिवार वाले जैसे हस्बैंड अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वारदात किए, तो इस टाइप के ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए जो मीडिया में थोड़े हाईलाइट हुए, उसके वजह से कि इम्प्रेशन सा थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें, पिछले 2 साल से दिल्ली में जो हीनस क्राइम्स वगैरह है उसमें कमी ही आई है। हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया था कि दिल्ली के क्राइम में 10% की वृद्धि हुई है, जिसको कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि दिल्ली के क्राइम में गिरावट आई है और आगे भी ऐसे ही आती रहेगी। टोटल न्यूज के लिए साहिल बांबरी की रिपोर्ट।